8 लाख सब्सक्राइबर थे ना, तो फेस कैम स्टार्ट ही नहीं था, तो एक ना 8 लाख सब्सक्राइबर वाली जो फील है ना वो आती ही नहीं थी कभी। मेरे जब 8 लाख सब्सक्राइबर थे ना, तो फेस कैम स्टार्ट ही नहीं था, तो एक ना 8 लाख सब्सक्राइबर वाली जो फील है ना वो आती ही नहीं थी कभी। मतलब एक 4 लाख सब्सक्राइबर्स थे मेरे, तो एक यूट्यूब का इवेंट हुआ था उसमें मैं गया था। तो वहाँ पर ना काफ़ी सारे बंदे आए थे, और मतलब कुछ कुछ जो मेरे बराबर सब्सक्राइबर वाले भी थे ना, तो उनको भी सब जानते थे लेकिन मेरे को कोई नहीं जानता था। तो वहाँ पर ना मतलब काफ़ी सारे क्रिएटर्स थे, तो उनके बीच मेरे को अजीब सा लगा कि हाँ यार कोई जानता ही नहीं है मेरे को, 4 लाख सब्सक्राइबर्स है, इतने सारे क्रिएटर आया, कोई नहीं जानता भाई मैं कौन हूँ। तो फिर मैंने कहा शायद ये फेस कैम नहीं करता हूँ इस वजह से हो रहा होगा। तो वहाँ से मेरे को ये पता चला था कि हाँ भाई फेस कैम स्टार्ट करना है। तो वैसे तो कभी नहीं सोचा था कि टॉप इंडियन क्रिएटर मतलब कि गेमिंग क्रिएटर में भी नाम आएगा इंडिया में, बट डालता गया उसके बाद, बट हाँ उसके बाद मैंने फेस कैम स्टार्ट करा था, तो थोड़ी सी ना ऑडियंस का जो इंट्रैक्शन होता है ना वो शायद फेस कैम की वजह से थोड़ा अलग आया हो।